सब्सक्राइब कीजिए द एंड्रॉयड गाइड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, द एंड्रॉयड गाइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी ही नई नई वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, जिन लोगों के पास विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है अपने कंप्यूटर में, तो उनको अपने डेस्कटॉप पे दिस पीसी या माई कंप्यूटर का जो ऑप्शन आता है वो देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको जाना होगा पर्सनलाइज में, और वहां पे जाने के बाद पूरा का पूरा जो डिस्प्ले का जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगा, और आप उसे बैकग्राउंड या आप जो लॉक स्क्रीन होता है उसका वॉलपेपर और थीम्स जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, कर्सर का मोड जो आता है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपको पूरा डिस्प्ले जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, जो डिस्प्ले में जो ऑप्शन मिलता है। तो उसके बाद जैसे कि ये ओपन हुआ है, तो ओपन होने के बाद आप थीम में जाएं, जो थीम का ऑप्शन जो आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है उस पर आप टैप करेंगे। तो टैप करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो ऑप्शन जो मिलते हैं, कर्सर्स चेंज का, साउंड का, या आपको जो कलर्स जो मिलते हैं थीम के उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप साइड में देख सकते हैं डेस्कटॉप सेटिंग का ऑप्शन जो है, तो इस डेस्कटॉप सेटिंग्स में आपको मिलता है ऑप्शन जो 5 तरह के जो आइकन आते हैं, जो माइक आइकन जो आपको अपने डेस्कटॉप पे चाहिए उस पर आप टिक करें, और टिक करने के बाद आप अप्लाई और ओके करेंगे तो आपका जो डेस्कटॉप है उस पर ऑप्शन आ जाएगा। तो अप्लाई और ओके मैंने किया, और इसके बाद जो ये जो विंडो खुला है इसको ऑफ करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दिस पीसी का जो ऑप्शन है वो जो डेस्कटॉप पे आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो माई कंप्यूटर या दिस पीसी करके जो ये आइकन जो है वो क्रिएट हो चुका है आपके डेस्कटॉप के पे। तो इससे आप अपने कंप्यूटर को इजीली हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि आपको नीचे जो टाइप सर्च का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वहाँ से आप अपने फाइल्स को इंगेज हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।